बागली के चापड़ा में स्व श्रीमती कलाबाई वैष्णव और स्व श्रीमती कांताबाई वैष्णव की स्मृति में निःशुल्क हृदय रोग जांच और परीक्षण शिविर का शासकीय माध्यमिक विद्यालय चापड़ा में आयोजन किया गया। शिविर में 470 लोगों का निःशुल्क हृदय रोग जांच एवं परीक्षण किया गया, जिसमें इंदौर के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश जैन और उनकी टीम ने निःशुल्क सेवा प्रदान की। डॉक्टर अखिलेश जैन ने अचानक हृदयघात आने पर बचाव कैसे करें, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। शिविर में मुख्य रूप से सरपंच नाथू सिंह सैंदव व जनपद सदस्य श्रीमती संगीता राजेश दुग्गड़, पंकज वैष्णव, कपिल वैष्णव की उपस्थिति में आयोजित हुआ। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। तो उद्देश्य यही रहता है कि कई आम पब्लिक को जो क्रोनिक डिसीज़ हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट की, इनके प्रति जागरूक करना, और लोग जो बीमारियों को निगलेक्ट करते हैं तो हम उनको जांच के द्वारा जैसे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ECG करते हैं, ब्लड शुगर करते हैं, तो उनका डिटेक्शन करते हैं कि इनके लोगों को बीमारी है। तो जब बीमारी पता चली जाती है तो उसका इलाज करना आसान होता है और उसके इलाज के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं ताकि वो आगे चल के और बढ़े नहीं, नियंत्रण में रहें और उससे जो है जान का जोखिम और उनका खतरा कम से कम हो। क्या अभी किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस यहाँ पे बहुत अच्छा है, लगभग 300 मरीज अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं जिनका हम लोगों ने सभी का ब्लड प्रेशर, शुगर और जिनकी ज़रूरत है उनका ECG भी कर रहे हैं और उनको परामर्श दे रहे हैं। किस तरह की जो है इलाज मतलब यहाँ पर देखा जा रहा है, किन किन मरीजों का? मैंने यहाँ पे अभी तक जितने लोग पेशेंट्स मैंने देखे उसमें देखा है कि बहुत सारे लोगों को शुगर आ रहा है, BP आ रहा है, जिनको अभी तक मालूम ही नहीं था कि उनको शुगर या BP है। तो बेसिकली ये डिसीज़ ऐसी हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ की, इनके शुरुआती बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते हैं और जब ये पहली बार पता चलते हैं तब तक इनको ऑलरेडी 3-4-5 साल हो चुके होते हैं, तो ये ऑलरेडी डैमेज कर चुके होते हैं अपने हार्ट पे, गुर्दे पे और ब्रेन पे। तो इन बीमारियों का जितनी जल्दी हम डिटेक्शन करें, पता करें और उनका इलाज शुरू करें उतना अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।